बस आप ये समझ लीजिए कि गीली मिट्टी उठा लाए हैं हम, अब इसे अपने सांचे में ढालेंगे। दादाजी कहते कि इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है, जन्म से नहीं। अहिल्या, बड़ों को ऐसे पलटकर जवाब नहीं देते। सागर से मिलकर तो नदी को भी सागर का दर्जा अपने आप मिल जाता है। द्वारकाबाई साहेब, अहिल्या मालवा की भावी महारानी है। सज्जनों की बालिका अहिल्या है, दुर्जनों की कालिका अहिल्या है, शिव की आराधिका अहिल्या है, अनुपम ज्योतिषिका अहिल्या है, अहिल्या है, खंडेराव के नाम की हल्दी लगते ही अहिल्या पर इस पदवी की शान और तेज रंग समान चढ़ चुका है। बैठी देख लो, बाहर वालों के सामने भी ढोल बजा के महारानी का नारा लगा दिया इन्होंने। कोई भी मेरे आहियो दाजी को कुछ भी बोले तो मैं चुप कैसे रहूं? दाजी ने भी तो कहा कि अपने ससुराल में मेरा मान रखना, ऐसे थोड़ी ना रहेगा आई दाजी का मान। अहिल्या मुस्कुरा, ये सब तुम्हारे लिए हो रहा है। सुन लिया ना आई साहब ने क्या कहा? यहां सब कुछ हमारी मर्जी से चलता है, समझी? Thank you.
आज गंगोबा तात्या को एक खास कारण से भोज के लिए आमंत्रित किया है। जानते थे इस समय परिवार के अधिकतर सदस्य मौजूद होंगे यहाँ। दरअसल एक ऐलान करना है, 4 दिन बाद पूर्णिमा है। गंगोबा तात्या ने पंचांग देखकर हमें बताया कि बहुत ही शुभ दिन है, तो उसी शुभ मुहूर्त पर हम खंडेराव को मालवा की प्रजा के सामने अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते हैं। मुहूर्त इतना शुभ है कि हमारे छोटे सूबेदार जी का अभिषेक भी साथ साथ हो जाए, तो वे केवल होनहार उत्तराधिकारी ही नहीं बल्कि कुशल शासक भी सिद्ध हो जाएंगे। सीताबाई इस भोजन में होती तो उनके हाथों धनाजी सरदार को संदेशा भिजवा सकते थे। मैं पान लेके आती हूं। चार दिन तो देखते देखते बीत जाएंगे, इतने कम समय में पता नहीं धनाजी सरदार भी कोई मदद कर पाएंगे या नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।